राजस्थान में कोरोना का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी जयपुर कोरोना का एपिसेंटर और हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसी बीच पुलिस भी अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन यहां पर लगातार कर रही है। कोरोना के संकट में लोगों को जागरूक करने के मकसद से जयपुर पुलिस ने पहली बार प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च चांदपोल स्थित पुलिस लाइन से होता हुआ छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ समेत 30 थानों के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में निकाला गया। इस दौरान जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा सबसे बड़े फ्लैग मार्च को लीड करते हुए नजर आए। फ्लैग मार्च में QRT, इराटी, ब्रजवाहिनी, अग्निवर्षा, निर्भया स्क्वाड और RAC समेत तमाम थानों के करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि जब प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर सबसे बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया हो। इस फ्लैग मार्च को लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से की खास बातचीत। राजधानी जयपुर शहर के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर के, तमाम लग्जरी वाहनों पर सवार होकर के जयपुर समेत तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, 28 थाना इलाके हैं जहाँ पर जो कर्फ्यू लगाया गया है, कोरोना से जो पॉजिटिव पाए गए थे उन इलाकों के अंदर से जो प्रदेश का सबसे जो बड़ा जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, अजयपाल लांबा खुद इस पूरे फ्लैग मार्च को यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि करीब 1000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो इस फ्लैग मार्च के अंदर मौजूद है। और ये जो पुलिसकर्मी हैं सभी ये यहाँ से उन इलाकों से गुजरेंगे और जहाँ पर ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का पूरा फ्लैग मार्च जो पूरे इलाकों में चल रहा है। सर, कहाँ कहाँ से पूरा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, बेसिकली क्या इसका ऑब्जेक्टिव? फ्लैग मार्च पूरे शहर में जो भी कर्फ्यू क्षेत्र है और लॉकडाउन क्षेत्र है उसमें ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें पुलिस है, जयपुर पुलिस के लोग हैं, RAC के लोग हैं, STF की टुकड़ियाँ हैं, ERT की टुकड़ियाँ हैं, बॉर्डर होमगार्ड के लोग हैं, हाड़ी रानी बटालियन के जवान हैं, साथ निर्भया स्क्वाड है। इन सबके द्वारा एक फ्लैग मार्च किया जा रहा है जो पुलिस की ड्रिल का पार्ट है कि जहाँ भी कर्फ्यू लगा रहता है तो उस कर्फ्यू की पालना कराने के लिए, लॉकडाउन की पालना कराने के लिए इसको किया जा रहा है। साथ में लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सुरक्षा का मैसेज देना भी इसका उद्देश्य है। सर, पुलिस लगातार दोहरी भूमिका निभा रही है, मानवता का एक हित का जो कार्य वो लगातार कर रही है और फ्लैग मार्च अपने आप एक बहुत बड़ा जरूरी होता है, लगातार पुलिस करती रही है, निर्भय स्क्वाड लगातार कर रही है, कहीं ना कहीं एक दोहरी जिम्मेदारी रही है और उसमें एक बड़ा मैसेज है जो समाज के अंदर जा रहा है कोरोना जैसे संकट से लड़ने के लिए। कोरोना संकट आपको जैसा पता है कि एक महामारी है और इसमें सफलता तभी मिलेगी इसको महामारी को नियंत्रित करने में कि जब सभी लोग, समाज के हर तबका, हर लोग मिल करके काम करें। पुलिस भी उसी का प्रयास कर रही है, सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी लोग पालना करें, डिस्टेंसिंग रखें, घरों में रखें। बाय एंड लार्ज ज़्यादातर लोग इस अनुशासन को मान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं तो पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ। और आज का ये जो फ्लैग मार्च है ये इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। हाँ, तो बिल्कुल आज का जो फ्लैग मार्च है बिल्कुल इसी उद्देश्य है कि लोग हैं जो कोरोना संकट से जो जूझ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है। और उसी मैसेज का नतीजा यह है कि तमाम जो पुलिस फोर्स का पूरा जाब्ता है, राजस्थान पुलिस का पूरा जाब्ता है, वो यहाँ पर मौजूद है। 1000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर इस फ्लैग मार्च को निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च है, जब ऐसा पहली बार हुआ है जब तमाम जो पुलिसकर्मी बाइकों पर सवार होकर के, गाड़ियों पर सवार होकर के, तमाम जो उनके जो ऐसे हथियार हैं उनको साथ लेकर के ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, पुलिस तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, बस आपको अगर पालन करना है तो घरों के अंदर रहना है, कोरोना को हराना है तो आपको घरों के अंदर रहना है, तभी कहीं ना कहीं जो महामारी है कोरोना की उससे कहीं ना कहीं निपटा जा सकता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो फ्लैग मार्च है कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज देने के लिए इसको जरूरी समझा जा रहा है। और इसी का नतीजा यह है कि तमाम जो पुलिसकर्मी अब यही फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को मैसेज दे रहे हैं, आप घरों के अंदर रहिए, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए घरों के बाहर हैं। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादविंद्र शर्मा एवं